बेगूसराय में गढ़हरा से इस वक्त एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां घर में सो रही एक महिला की बदमाशों ने इस कदर गला दबाया कि उसकी आवाज ही चली गई। महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्थिति यह है कि 4 दिनों से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है, सिर्फ इशारों से बात करती है। यह घटना सहायक थाना गढ़हरा क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 ठगुड़ी चक निवासी संजय चौहान की लगभग 30 वर्षीय पत्नी सोनी देवी की बताई जा रही है। महिला के पति संजय का आरोप है कि उसके भाई ने ही इस घटना को अंजाम दिया। प्रीता सोनी देवी अपने ऊपर हुए जुर्म को सिर्फ इशारों में ही बयां कर पाती है। इसके पति ने कहा कि उसका भतीजा जेल में बंद है और उसका भाई अपने पुत्र की बेल कराने के लिए 20,000 रुपये मांगा, नहीं देने पर घटना को अंजाम दिया है। संजय चौहान का कहना है कि इससे पहले भी 2 आरोपी द्वारा उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसका केस चल रहा है। महिला की पुत्री राखी कुमारी ने बताया कि उसके चाचा छत के रास्ते आए और उसकी मम्मी का गला दबाने लगे। उसने बताया कि वह उस समय बगल वाले कमरे में टीवी देख रही थी। मम्मी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह वहां पहुंची, जिसके बाद उसका चाचा भाग गया। उसके साथ एक और लोग थे जिसे वह नहीं पहचान सकी। वहीं ओपी अध्यक्ष रंजन ठाकुर ने बताया कि भूमि विवाद का मामला है, शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। दूसरे के छत पर से आया आपके घर? उसके बाद नीचे आया आपके रूम में? ओ, छोटी चापा लोग दौड़ा तब भागा, चाची आया तब भागा दौड़ा। ओ, आवाज हुआ तब। क्या आदमी था? 2 आदमी। पहचाने उसको? क्या है बार घटना हुआ सर, मैं यहाँ नहीं थे, हम काम कर रहे थे। मेरा लड़की फोन किया कि पापा जो है मम्मी का जो है उल्टा सांस चल रहा है। हमने कैसे किया हुआ बेटी, तो जो है रंजीत चाव पर छत पर सीढ़ी पर से आकर मेरे की मतलब जो है मम्मी को दाब दिया था, मम्मी खिलाया था जो गला था, गला दबाया सर, तो वहाँ से छत पर से कुछ घोर के भाग गया वो। फिर सर जो है हम आए, अपना फ़ोन किया था, हम आए सुबह आए 9 बजे, पूछे क्या हुआ तो कुछ नहीं बता रहा, इस तरह से बता रहा क्या कि जो है रंजीत चौहान ने 2 आदमी तय कर नहीं पहचानने जो नेटी हमको दाब दिया, इस तरह से सर। फिर क्या कि गाड़ी बुक किए, भर्ती किए सदर में सर, सदर में आकर भर्ती किए सर यहाँ पर ही। उससे पहले सर जो है क्या दिन से हैं सर? 18 तारीख के सर भर्ती किए हैं। घटना क्या तारीख की है? घटना हुआ 17 तारीख के सर 11 बजे 12 बजे 11 बजे 12 बजे रात में हुआ सर, बता रहा बेटी मेरा, हम तो नहीं थे। तो उस समय जो है आप घर में और कोई आदमी नहीं था, अकेले सुतल थे ये लोग? मतलब पाँच, मतलब 3 लड़की 2 लड़का घर में, मतलब कि मम्मी के दवाई उबाई खिला के पैर गोड़ हाथ दाब के, मतलब टीवी वी देख रहा, आँख लगा हुआ सोया, उस नहीं देरी में जो सोचा कि सो गया, बस ऊपर से आकर इसको जो है दवाई, उसी वाली लोग सब उठ गया। मगर लोग एक कर नहीं पहचान, एक को पहचानने के रंजीत चाचा था छत पर कूद के भागा, चाची लोग। क्यों आपको गला दबाया था रंजीत? उससे पहले सर जो है मतलब कि 23 जनवरी को सर, 23 जनवरी को मतलब कि उसको गोड़ पैर गोड़ तोड़ दिया के रंजीत चौहान ने आपकी पत्नी को? पत्नी को हाँ। फिर 23 तारीख को सर हम जो है एक तारीख को सर 1 जनवरी को नया साल, मतलब 23 तारीख होता है सर, फिर हम रेफर किए बरौनी से रेफर करके सर यहाँ करते हैं बेगूसराय सदर में। अभी तक गोड़ टूटा हुआ सर, 5-5 छोटों का एक सारा सर हुआ, इंजोरी फिंजोरी सब लगा हुआ, वीके चल रहा। कुछ से पहले 2017 में सर हाथ तोड़ दिया सर, एक वो केस चल रहा सर, अब वो भी केस चल रहा है, एक केस चल रहा है, इसको अब सब मुझे जाने मारने चक्कर में सर है। कहाँ है झंझट, किस चीज़ का है झंझट सर? जो है मतलब रंजीव करण कुमार जो है जेल में है, वो डबल हत्या कौन में जेल में गया, 20,000 रुपया मारा, 20,000 रुपया तो हम बेटा का बेल कराएंगे, हम कहाँ से देंगे सर, चक्कर में मारता है फिर क्या मतलब। अपना भाई है वो, छोटा है हम बड़ा है, और उसका पत्नी के बात बेसी जो बहू कहता है जो सुनता है, पत्नी उसका टाल। आपका भतीजा भीतर में है? भतीजा जेल में है करमचंद कुमार। कौन है आपके भतीजे? मेरा भाई है। नहीं नहीं, ये जो जिनका गला दबाया वो मेरा पत्नी है। क्या नाम है उनका? सोनी देवी। आपका क्या नाम है? संजय चौहान। कहाँ घर है? ठोकरी चल। चिल्लाने देखे तो मम्मी ने खाना खा ली और फिर दवाई खाई, बस पहुंचा दिए थे मम्मी को। कहाँ? ये बिस्तर पर पहुंचा दिए ने, तब हम लोग टीवीए देख रहे थे 12 बजे, तब आया छोटी दाब रहा था, जब हम लोग गेट खोले ने
तो भाग गया छत्ते पर, मतलब सीढ़ी पर देखे सर चढ़ के। जब जब छोटी चापा टीवी देख रही थी तो कैसे देखी तुम कि छोटी चौंप रहा है? मेरी मम्मी चिल्ला रही थी, वो चिल्लाई थी उसमें शोर सुन करके तब लौट करके। हाँ। भागा कैसे, किधर से भाग रहा था? सीढ़ी पर चढ़ के, सीढ़ी हम लोग का पलटा रहता है सीढ़ी, उधर दे देते हम तो दू गो के देखे, मगर एगो के नहीं चाहिए, रणजीत चौहान के चीन।